आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट का किया स्वागत। किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का व्यक्त किया आभार। दस फरवरी से स्थानीय निकाय विधान परिषद सदस्य के चुनाव के लिए कलेक्ट्रेट परिसर के नगर मजिस्ट्रेट के कोर्ट में होगा नामांकन। एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी। गोरखपुर से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय खिलाड़ियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की वर्चुअल मीटिंग। कहा, खिलाड़ियों से प्रेरणा लेता है समाज, प्रदेश के खिलाड़ियों को मिला अवसर एवं सम्मान। डकैती चोरी की घटना में शामिल 6 अभियुक्तों को हरपुर बुधहट खजनी पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। डकैती की पिकअप, 44,500 रुपए पुरानी नगद नोट, 2 एलईडी टीवी, 4 लैपटॉप, 13 मोबाइल, 6 चेन, 9 अंगूठी, 1 झुमका, 1 टप्स, 1 मंगलसूत्र, 7 सोने की कील, 23 जोड़ी बिछिया सहित अन्य सामान को किया बरामद। एसपी साउथ ने किया खुलासा। गौ तस्कर गिरोह के 4 अभियुक्तों को बेलघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 गोवंशीय पशु, 1 देसी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस व खोखा, 1 चाकू, घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन किया बरामद। एसपी साउथ ने किया खुलासा। सीसीटीवी कैमरों की निगहबानी में होगी विधानसभा चुनाव 2022 के प्रत्याशियों का नामांकन। कलेक्ट्रेट परिसर में 9 न्यायालय सहित पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाने का कार्य हुआ प्रारंभ। दो विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे कार्मिकों का प्रशिक्षण मंगलवार को भी रहा जारी। ईवीएम मशीन से चुनाव कराने से लेकर ईवीएम मशीन को लॉक कर जमा करने तक की दी गई जानकारी। विधानसभा चुनाव में नामांकन में आने वाले प्रत्याशियों के वाहनों के पार्किंग स्थल का एसपी सिटी ने किया निरीक्षण। का आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से कराया जाएगा पालन, सुरक्षा के लिए लगाई जाएगी फोर्स। बाढ़ से हुए किसानों के फसलों के नुकसान के लिए भुगतान में लगे गलत अकाउंट को सही कराने के लिए जिलाधिकारी ने सभी तहसीलों को दिए निर्देश। कहा, अकाउंट करा दें सही, नहीं तो होगी कार्रवाई। एडीएम फाइनेंस ने दी जानकारी। मंगलवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 358 केंद्रों पर कुल 30,044 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 2,698 और सेकंड डोज लेने वालों में 22,169 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, फर्स्ट डोज लेने के बाद अवश्य लगवाएं कोरोना का सेकंड डोज, रहें सुरक्षित। नसीराबाद स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर मूर्ति की स्थापना के लिए धूमधाम से निकाली गई भव्य कलश एवं शोभा यात्रा। कहा, प्राचीन मंदिर का जोड़दार कर देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापित करने के लिए निकाली गई शोभा यात्रा। गोरखपुर में मंगलवार को पाए गए 116 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 1 की हुई मौत। जिले में घट रही है एक्टिव केस की संख्या। अब एक्टिव केस की संख्या हुई 1,083। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। और मौनी अमावस्या पर राप्ती तट स्थित राम घाट पर हजारों लोगों ने मौन व्रत रख कर लगाई श्रद्धा की डुबकी। कहा, मौन व्रत रख कर स्नान करने से सभी पाप हो जाते हैं समाप्त तथा होती है मोक्ष की प्राप्ति।